स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद अपने समस्त नगर वासियों का हार्दिक अभिनंदन एवं निम्नलिखित अपील करती है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। गीला कूड़ा एवं सूखा कूड़ा अलग अलग एकत्र करें एवं गीले कूड़े से घर पर ही खाद बनाएं। प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग ना करें एवं नगर को पॉलिथीन मुक्त करने में अपना सहयोग प्रदान करें। उपयोग व भंडारण करने पर 25,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। नलों की टोंटियां खुली न छोड़ें एवं नैतिक दायित्वों का निर्वहन करें। अपने पालतू जानवरों को सड़क पर खुला न छोड़ें। विनोद कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद, वत्सल अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष फर्रुखाबाद। अखंड भारत संकल्प समिति फर्रुखाबाद ने तिरंगा यात्रा निकाल संकल्प दिवस मनाया। समिति ने मसीन चौराहे से फर्रुखाबाद लाल गेट तक तिरंगा यात्रा निकाली व संयुक्त रूप से माँ सरस्वती के चित्र रूप पर दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पित कर पूजन किया। सभी ने एकजुट होकर राष्ट्रगान गाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हम अपने देश को पुनः एक माला की तरह तभी बना पाएंगे कि जब हमारा देश हमारे अंदर भारतीयता के गुण आंतरिक व शारीरिक आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ की तर्ज पर चलना, देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, तभी भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए अग्रसर कर सकते हैं। पुरानी शिक्षा व्यवस्था पर लौटना होगा जब क्योंकि गुरुकुल से प्रेरित है। इस दौरान बड़ी संख्या में समिति के सदस्यगण मौजूद रहे। आइए देखते हैं क्या कुछ बताया है समिति के सदस्य दिनेश तोमर ने। जी, कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, अखंड भारत दिवस के तरीके मनाया गया है, कब से मनाया जा रहा है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस अखंड भारत का जो है उद्देश्य है हम लोगों को, जो हमारा देश है जो विभिन्न प्रांतों में बट चुका है, विभिन्न जो है देशों में बट चुका है, उसको संगठित दोबारा संगठित करने के लिए उद्देश्य है। ये हमारे सभी विभिन्न संगठनों के द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को रात के 12 बजे तक जो है मनाया जाता है। इसी तरीके से आज भी अखंड भारत दिवस जो है, अखंड भारत समिति जो हम लोगों ने बनाई है, उसके द्वारा मसीनी चौराहे से एक तिरंगा यात्रा के रूप में यहाँ भव्य अपने लाल गेट चौराहे से किया गया इसका आयोजन। एक कार्य रात्रि में होता है, वो भी बनाया जाए रात में, मतलब 12 बजे तक हमें करना है, तो अभी दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक कार्यक्रम चलता रहेगा। अभी और भी संगठन द्वारा होगा तो एक साथ व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार का किसी को असुविधा ना हो, क्योंकि ट्रैफिक बाधित है और ऐसी कोई जगह सुटेबल है नहीं जहाँ पे, तो हम लोगों ने अपने अपना जो है समय रखा है उसके हिसाब से कार्यक्रम। अखंड भारत, अखंड भारत। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद अपने समस्त नगर वासियों का हार्दिक अभिनंदन एवं निम्नलिखित अपील करती है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। गीला कूड़ा एवं सूखा कूड़ा अलग अलग एकत्र करें एवं गीले कूड़े से घर पर ही खाद बनाएं। प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग ना करें एवं नगर को पॉलिथीन मुक्त करने में अपना सहयोग प्रदान करें। उपयोग व भंडारण करने पर 25,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। नलों की टोंटियां खुली न छोड़ें एवं नैतिक दायित्वों का निर्वहन करें। अपने पालतू जानवरों को सड़क पर खुला न छोड़ें। विनोद कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद, वत्सल अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष फर्रुखाबाद।